जीतनराम मांझी जी गलत क्या कह रहे हैं, जिसमें तो सच्चाई है। शराब में जहाँ जहाँ बिहार में बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं, ये तो उसमें नई बात क्या हो गई? इसमें इस समीक्षा बैठक एक ढोंग है पूरे तरीके से। ये ढोंग करने से कोई फायदा है? कई दफा जीतन राम मांझी की बातों में हाँ मिला चुके हैं तेज प्रताप यादव, फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। दरअसल जीतन राम मांझी यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कल, परसों दिया था वो बयान। उस बयान में उनका कहना था बिहार के जो आला अधिकारी हैं वो शराब पीते हैं। बिहार में उन्होंने जितने भी बड़े अधिकारी, जज, कलेक्टर, सचिव सभी पर आरोप लगा दिया था। पूर्व में भी कई दफा उन्होंने यही बात कहा है। तो तेज प्रताप यादव लौटे हैं अपने छोटे भाई तेजस्वी की शादी से दिल्ली, और पहली दफा मीडिया पर खुलकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। जब ये सवाल किया गया कि आखिरकार शराबबंदी बिहार में कितना सफल है, जीतन राम मांझी के बाद से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहा है तेज प्रताप ने, आप सुन लीजिए। कि 10 बजे के बाद से लगभग जो अधिकारी, बड़े अधिकारी, वो पीकर टूल हो जाते हैं। जीतन राम मांझी जी गलत क्या कह रहे हैं, जिसमें तो सच्चाई है कि शराब में पूरा बिहार डूबा हुआ है। पूरे शराब में जहाँ जहाँ बिहार में बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी होम डिलीवरी करवा रहे हैं, ये तो उसमें नई बात क्या हो गई? इसमें तो जीतन राम मांझी ने सही बयान दिया है। तो फिर समीक्षा बैठक क्यों हो रही है, लगातार कार्रवाई तो समीक्षा बैठक हो रही है, तो नीतीश कुमार जी को सोचना होगा ना कि समीक्षा बैठक आखिर कर क्यों रहे हैं। इस समीक्षा बैठक एक ढोंग है पूरे तरीके से। ये ढोंग करने से कोई फायदा है, कोई लाभ हो रहा है? शराब तो मिल रहा है चारों तरफ, शराब तो बिक रहा है ना, शराब कहाँ लगाम कस रहा है? अधिकारी ही शराब पी करके पूरे तरीके से टूट रहते हैं। अब जिस तरीके से घटना आया गोपालगंज में, किस तरीके से जो थानेदार जो था दारू पी करके लिप्त है पूरे तरीके से, वीडियो भी वायरल हुआ उसका, तो दारू तो पूरा चल रहा है, सब जगह बिक रहा है। अब मेन थाना ही से होम डिलीवरी हो रहा है, बॉर्डर को क्यों ना सील किया जाता है? हम तो लगातार बोल रहे हैं कि बॉर्डर को सील किया जाए, चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे यूपी का हो, या झारखंड का हो, या बंगाल का हो, ये तो बॉर्डर को सील करना चाहिए चारों तरफ से। शराब आ कहाँ से रहा है? तो जितने बिहार सरकार एक तरफ ढोंग करती है कि शराब बंदी हमने करने का काम किया, शराब कोई बंद नहीं है, शराब पूरे तरीके से बिक रहा है और लोग बर्बाद हो रहे। सरकार स्पेशल अभियान चला रही है, 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का स्पेशल अभियान चल रहा है शराबबंदी को लेकर सरकार का, जिसमें सरकार का शुरू से डीजीपी रैंक के जो है सरकार का तो शुरू से ही चल रहा है स्पेशल, जो ला रहे हैं पाबंदी का बात वो कर रहे हैं, वो तो शुरू से ला रहे हैं, लेकिन कहाँ कुछ आ रहा है, कहाँ कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, कहाँ संपूर्ण तरीके से शराब तो और बिक रहा है। तो डीजीपी से लेकर तमाम पुलिस के आला अधिकारी, जितने भी विभाग हैं उन सभी के अधिकारियों पर जीतन राम मांझी अब कोई अकेले आरोप लगाने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव का भी यही आरोप है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह विफल है, सरकार पूरी तरह विफल है, शराब आराम से सप्लाई हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, थाना होम डिलीवरी करवा रहा है, और ये सभी आरोप लगाए गए हैं तेज प्रताप यादव के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।